कह गई के दो वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को काम में लगा दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया जैसा बन पड़ा, अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हों तो मैं राम को युवराज का पद दे दूँ। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना कैकेयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेय से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी, मंथरा ने। शुरू में इसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। मथुरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। कैकेयी के विरुद्ध वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी के मुंह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। इसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंककर उठी। उन्हें मथुरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना क्यों घबराई हो, सब कुशल तो है, उन्होंने पूछा। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। यह तो शुभ समाचार है, कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह योग्य हैं। रानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है, सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है, कल सुबह राज्याभिषेक है, भारत को
जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए तो नहीं बुलाया। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरी अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें कोई षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के पलंग पर बैठ गई, उसके बहुत निकट। कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, समझो रानी। राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनाथ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश से निकाल देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया। वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वचन दिए थे। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलवाएं या प्रतीक्षा करें। मंथरा ने कैकेयी का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभालेंगे, जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी को भवन में चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई, तुरंत रनिवास की ओर चले उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वह कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़ी। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई। कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अभी तक सूचना नहीं दी गई? मैं उसे अवश्य मना लूँगा, दशरथ ने ये सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहन कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ तुम्हें बताओ, अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ मैं बीमार हूँ, कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी कर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दो वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भर दी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का होगा, राम का नहीं, कैकेयी ने कहा। दशरथ भौचक रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकनाने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रहीं,
दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? आप मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे पर होगा। राजा दशरथ यह नहीं सुन सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इस तरह बीत गई।